टी20 वर्ल्ड कप भारत बांग्लादेश के पंजन रन सुनता शिकस्त ई छी बांग्लादेश की टीम पारा टॉस खटे बॉलिंग जो फैसलो भारतीय टीम पहरी बैटिंग कंदे मुकरर 20 ओवर्स में 6 विकेटन जो नुकसान ते 184 रन उठायूं बरसात सब बांग्लादेश की टीम के 16 ओवर्स में 151 रन जो टास्क दिनो वयो बांग्लादेश की टीम मुकरर ओवर्स में 6 विकेटन जो नुकसान ते 145 रन उठाए सकी। सुप्रीम कोर्ट 25 में वाकन ते इमरान खान का 5 नवंबर तक वजाहत तलब करे वरती तोहीन अदालत केस जी बुधनी दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स दीदे चयवाहे तो 25 में ते जेको कुछ थियो वो बीहर न थन घुजे पीटीआर सुप्रीम कोर्ट जो हुक्मन जो गलत इस्तेमाल कयो अदालती हुक्मन ते अमल जी पक कराई हेला बहाना करण अफसोसनाक है। ब वकीलन वसीले आला अदालत के गुमराह कयो वयो सियासी लीडरन के रोल मॉडल होण घुर्जे जमहूरियत के मंदर आयन नाहिन कदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच की बुधनी कई वही जस्टिस एजाज उल हसन रिमार्क्स दीदे चयो है त 10,000 मानू सा बाद आने 2 लख मान की जिंदगी जहर नथी बणाए सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के दौरे दौरान सदर शी जिनपिंग हमन सब ली चियांग साम धारधार मुलाकातों बीजिंग पीपल्स ग्रेट हॉल में थियल मुलाकात दौरान सीपेक समेत मुख्तलिफ माहिदन से सहकार वधाने से गालियों वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग बीच में मुलाकात दौरान मुख्तलिफ शोबन में बेतरफ सहकार वधाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने से इतफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वन कंपनियों के पाकिस्तान के दौरे सीर पुकारे की दावत 10,000 मेगावाट शमसी तवनाई मनसूबे गवादर हवाई अड्डे जो मनसूबे जल्द मुकर्र करण से इतफाक वजीर आजम शहबाज शरीफ है तो सी पैक बेन मनसूबन से कम कदड़ चीनी शहर की हिफाजत यकीनी बढ़ाई बोर्ड मुतासर की मदद से वजीर आजम चीनी क्यादत जहा थोड़ा मना इमरान खान त सियासी दहशतगर्द है घू मामलन वाले वफाकी वजीर राणा सनावला चे तो गाल कन था तो इमरान खान खेन गारू डिए तो इस्लामाबाद में इमरान खान की दाखिला जो मामलो अदालत में बुधने हेठ है सियासत में सदाई गाल हिमायत कई वी है को सियासतदान ये ना चवन त गाल ना कर फॉर्म फंडेड फितना हाने देर थी वही है सुध सभा की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब जी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से तनकीद मरियम औरंगजेब इमरान खान के मुखातब थीदे है त जूती की पॉलिस के कारण तुझे मुंह से साफ नजर अची रही है शहबाज शरीफ चोर हो तो अदालत में सबूत छो न दिना वा राणा सनावला कातिल हो तो हीरोइन के केस में खेस छो गिरफ्तार कराया वो केडा वया सबूत करप्शन जा केस सही हुआ तो तैयबा गुल के वजीर आजम हाउस में कैद छो रखो नवाज शरीफ के अवाज हुकूमत बाहर वन की इजाजत दिनी त न दियो हार हाने देर थी वही है। आर्मी चीफ जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांड हेडक्वार्टर जो दौरो आईएसपीआर मौजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऑफिसर जवानों से मुलाकात कई आर्मी चीफ आला पेशेवराना सलाहित बुलंद हौसलन के सारायो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली पाक फौज सिपह सालार की आछिया कई। कोई शक नहीं है कि इमरान खान धांधली के जरिए आया कोई मैंडेट नहीं था इमरान खान के पास नंबर भी पूरे नहीं थे अगर नंबर पूरे होते और अपने मैंडेट के साथ इमरान खान आता तो फिर उसको बाकी लोगों को मिन्नतें करने की जरूरत नहीं थी कि आज मुझे मेंबर्स पूरे करने दो मुझे बजट पास करवाना है आज मुझे मेंबर्स पूरे करके दो मुझे सेनेट में इलेक्शन के लिए चाहिए तो उसको पहले दिन से मेजॉरिटी नहीं थी जो रिजीम चेंज के बाद रिजीम चेंज में एक भी ऐसा वोट नहीं पड़ा जो कि इमरान खान के खिलाफ हो
अरशद शरीफ मरहूम कह रहा है कि जी भारत से और इसराइल से इसको पैसे आए हैं। इमरान खान का ये बयान कि मैं सिंध में भी आके तहरीक चलाऊंगा, मैं समझता हूं कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। पूरी दुनिया की इमदाद आ रही थी पाकिस्तान में, मदद के लिए लोग आ रहे थे, हेडलाइंस थी आपके इंटरनेशनल मीडिया के कि पाकिस्तान में सैलाब में लोग बेचारे मुश्किल में हैं, मुश्किल हालात में हैं। उसको इमरान खान ने डाइवर्ट किया इस लॉन्ग मार्च में और सियासत को जब्त कर दिया। फितनो खान लॉन्ग मार्च थियो मेरा तो छाण चाहे तो इमरान खान चाहे तो लाश मिलन जी तमाशो कया मार्शल लॉ लगाण जो दावतों तीदड़ इमरान आयन शकन आए मदद आर्टिकल 6 तहत बतारी जो तेज हलन दीजिए। इतलात एंड ट्रांसपोर्ट खाते के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अब्दुल सतार ईडीए हकीम सईद चए तैयार है अज इसराइल ए भारत इमरान जहा सब का फॉन्ड फंडर छो है। अरशद शरीफ इमरान खान की फॉन्ड फंडिंग जहा सबूत भी गद कर वरता हुआ। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के रहन में इमरान खान हमीद गुल जो साथ दिनों कूड़ो ए मुनाफिक शख्स रोजानो एक ही राग अलाय रो है अवाम के बेवकूफ समझे। पीटीआई जो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी बाईपास गुजरावाला खां खानेवाल तरफ रवानू। लॉन्ग मार्च रात खानेवाल में तरसंदो। पीटीआई पारा लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में एक भेरो बीहर तब्दीली। असद उमर चया है इमरान खान की कयादत में लॉन्ग मार्च 10 नवंबर से इस्लामाबाद पहुंचो समूरे मुल्क में काफिला 11 नवंबर से इस्लामाबाद पहुंचा। अरशद शरीफ मामले ते शफाफ जांच चाहिन था। नाम निहाद मार्च स्टॉप मार्च बणजी चुको है। लॉन्ग मार्च कदर टेलीफोन जो इंतजार कर रो है। वजीर आजम की खास मददगार फैसल करीम कुंडी है तो नंढी चूंड में इमरान खान के पीपल्स पार्टी बुरी तरह शिकस्त दिनी। इमरान खान खानदानी तौर से साबित थियल बदगुनमान है। अवाम के सस्तो फौरी इंसाफ मिलन घुर्जे। सस्तो इंसाफ न मिल तो अदलिया बेमाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कानूनी सहूलत मर्कज के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे है तो संदन वजूद ही साइल लाया है। खेन तनकीद का का भी घबराहट ना थी मथन तनकीद असरअंदाज नी सके। पीएमपी अली हसन सरदारी पारा पांजे तक पीएस 78 घोड़ाबारी जो दौरो। एमपी अली हसन सरदारी डिग्री कॉलेज गाड़ो पहुंची तरक्याती कम जो जायजो वरतो। समूरा कम जल्द मुकम्मल करण में हिदायत। एमपी अली हसन सरदारी चयो तो डिग्री कॉलेज मॉडर्न तरीके से ठही पयो। डिग्री कॉलेज से हजारे शागिर्द ए शागिर्दियाणन के तालीम हासिल करण जो मौको मिलो। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के इबादत समझी है। अवाम जो हर मसलो तरजीही बुनियाद से हल किया वो। एमपी अली हसन सरदारी जामन हाउस घोड़ाबारी में शहरन से मुलाकात कर संदन मसला पिण बुध। ठुल वेझो गोठ खान मोहम्मद बुरड़ो में कर इल्जाम हेठ बिटो कत्ल। जवाबदार गोलू हणी नौजवान माजिद बुरड़ो नारी के कत्ल कर छो। उत्तर कोरिया पारा वधीक एक बैलिस्टिक मिसाइल जो तजुर्बो। उत्तर कोरिया पारा मिसाइल तजुर्बो दखण कोरिया अमेरिका विच में वे पैमाने से हलदड़ जंगी मुश्कन के जवाब में किया। दखण कोरिया में शहर के जज्बी के खाली करण की वार्निंग करे छी।